हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 13th जी कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल जो है वो लगाना सिखा दिया है। आज बेटा हम बढ़ते हैं 13th जी के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन उसके करवा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, और सेकेंड वीडियो में थोड़े से और क्वेश्चन उठा रही हूँ, इनको डन करेंगे। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ई एक्स प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में है। जब भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में है तो आपको क्या अप्लाई करना है? कोशेंट रूल, ठीक है। तो आपको क्या अप्लाई करना है? कोशेंट रूल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, आपने एफ ऑफ एक्स को क्या बना देना है? एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स बना देना है, ठीक है। फिर आपने नीचे लगानी है एक लाइन, लगा दी आपने लाइन, ठीक है। लाइन लगा के आपने नीचे वाले का क्या करना है? स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। ये कर दिया मैंने ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर। उसके बाद ए एक्स प्लस बी जो है वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव ले लेना है पहले ऊपर वाले फंक्शन का, ये ध्यान रखना है। पहले आपने ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जो फंक्शन ऊपर पड़ा है सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर बीच में डालना है माइनस, ठीक है। जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसका आपने डेरिवेटिव अब छोड़ देना है, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का जिसका अभी तक आपने नहीं लिया, यानी कि ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। मेरी बात समझे, ए एक्स प्लस बी एज इट इज़। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का, फिर माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को वैसे ही छोड़ देना है। फिर आपने ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एज इट इज़। आगे देखो पी एक्स स्क्वेयर आपका किसके इक्वल आ गया? ये बन गया आपका टू पी एक्स, क्योंकि पी तो वैसे ही सेम रह जाएगा और एक्स स्क्वेयर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो टू एक्स बन जाएगा। क्यू एज इट इज़ और एक्स का क्या आएगा? आपका वन, और आर का क्या बन जाना है? आपका ज़ीरो। तो वैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स का आपने वन बना देना है और थ्री का क्या बन जाएगा? आपका ज़ीरो, ठीक है। और नीचे क्या है आपका? ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। वो जैसे आप करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन था कि आपको डेरिवेटिव लेना सिखाना था कि मुझे डेरिवेटिव कैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलती इसी चीज़ में करते हैं कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाए और कैसे वर्क किया जाए। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे मेन यहाँ पे मैटर करता है कि आप डेरिवेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना ना करना वो आपकी टेंशन है, वो कर सकते हो आप आगे, ठीक है। तो ये है, ये एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले आप एफ इसको डैश बना दो, एफ डैश एक्स ये इसका। फिर उसके बाद जब आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो आप कैसे लोगे? पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वेयर कर दोगे, ठीक है। पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का क्या कर दोगे? होल स्क्वेयर। फिर ऊपर आप ये फंक्शन लेके जाओगे पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, लेकिन क्या लेके जाओगे? विदाउट पावर, क्योंकि ये स्क्वेयर आप ऊपर नहीं ना लेके जा सकते। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का जो ऑलरेडी ऊपर पड़ा है, ए एक्स प्लस बी ऊपर पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव आपको पहले चाहिए। फिर आपने क्या करना है? ए एक्स प्लस बी जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके उसका आपने छोड़ देना है, जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके उसका क्या कर देना है? आपने छोड़ देना है। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का, ठीक है। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का, ठीक है। फिर देखो पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसको वैसे ही पड़ा रहने दिया। फिर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, ए एक्स का क्या बन जाना है? वन, और बी का क्या बन जाना है? जीरो। तो ये वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेके फिर पी एक्स स्क्वेयर का क्या बन जाएगा? टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपने डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का स्क्वेयर कर दीजिए, उस फंक्शन को विदाउट स्क्वेयर ऊपर ले जाइए, फिर जो फंक्शन ऊपर पड़ा है पहले उसका डेरिवेटिव लीजिए, फिर बीच में माइनस डालिए, जिसका डेरिवेटिव आप ले चुके उसका छोड़ दीजिए, जिसका नहीं लिया उसका ले लीजिए, ठीक है। बीच में माइनस दूर डालना है बेटा आपने, बस अब आगे फंक्शन को सीधा और सोबर सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये फंक्शन है,
एच एक्स एक्स की पावर -3 5 + 3x। अब आप चाहो तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसके ऊपर कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। मैं दोनों के दोनों आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इधर मैं लगाती हूँ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कोशेंट रूल, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशेंट रूल अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो एक तरफ तो आप कोशेंट रूल भी लगा सकते हो और दूसरी तरफ आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल के क्या लिए क्या चाहिए, एच डैश एक्स इसको वैसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दीजिए और सेकंड का आप डेरिवेटिव ले लीजिए, यानी कि 5 + 3x का डेरिवेटिव ले लीजिए, फिर प्लस डालना है क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। 5 + 3x को वैसे ही छोड़ देना और आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर -3 का, ठीक है। फिर एक्स की पावर -3 को आपने वैसे ही छोड़ दिया, 5 + 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 बन जाना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 5 + 3x वैसे ही छोड़ दिया, फिर आपने x की पावर -3 का डेरिवेटिव लेना है, -3 नीचे उतार दीजिए, x की पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, तो x की पावर -3 ये बन गया और ये बन गया ±, क्योंकि ये माइनस के 3 में इधर ले आ गई, ठीक है। 5 + 3x और ये क्या बन गया आपका, x की पावर -4। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल के ज़रिए आंसर आ चुका है। अब देखो कोशेंट रूल में क्या कर सकती हूँ मैं, इसी फंक्शन को जो x की पावर -3 है, क्योंकि ये माइनस की पावर है, अगर मुझे पॉजिटिव की बनानी है तो मैं इसको नीचे ले जा सकती हूँ। मतलब क्या है, मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जो बच्चे इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं उनका भी सही है, जो इनके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलती नहीं है, तब देखो क्योंकि सभी बच्चों का व्यू तो मिलता नहीं होता, ठीक है। तो मैंने मुझे इसका डेरिवेटिव लेना और जो डेरिवेटिव है उसको डैश से डिनोट किया जाता है, ये डैश, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कोशेंट रूल कैसे लगता है, नीचे वाले का स्क्वेयर कर देना है, 3 की पावर 2 कर देना है, फिर एक्स की पावर 3 को ऊपर लेके आना है और जो फंक्शन ऊपर पड़ा है पहले उसका डेरिवेटिव लेना है। मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप करने बैठोगे ना तो मतलब आपको पता चलेगा, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। x की पावर 3 यहाँ पे 3, 5 + 3x, अब मुझे x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है, 3 नीचे उतारना है, x की पावर 3 में से 1 माइनस कर देना है और नीचे क्या करना है, 3 2 का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है, 3x की पावर 3 -5 + 3x, और यहाँ से मैंने 3 उठाया और इसके आगे लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन तो मैं कहीं पर लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। मतलब बिल्कुल इजी है चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं है टफ। अब ये देखो, ये ना आपका क्वेश्चन है, f(x) = x + 5 × 2x² - 1/x। पहले आप इसको डैश डाल दो, f(x), फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो x का क्या बना देना, x², फिर इस x को ऊपर ले जाओ, फिर डेरिवेटिव करो किसका, x + 5 × 2x² - 1 का, इसका डेरिवेटिव करना है। फिर x + 5 × 2x² - 1 को वैसे ही कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और जिसका आपने डेरिवेटिव नहीं दिया उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। मतलब बिल्कुल सिंपल एंड इजी चीज़ें हैं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। x को वैसे ही छोड़ दो। अब ये दो फंक्शन इकट्ठे हैं, अब बोलोगे कि मैम इन दोनों फंक्शंस का क्या करें। अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जी हाँ, कोशेंट रूल के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आ सकता है, यही तो मैंने आपको समझाना था, ठीक है। x को वैसे ही छोड़ दिया, x + 5 × 2x² - 1 के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है भाई, प्रोडक्ट रूल x + 5 को वैसे ही छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, 4x, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले जाइए और वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। -x + 5 × 2x² - 1 × x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपने कर रखी हैं, ठीक है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं करवा रही हूँ। तो ये आपका है x और इधर ये अंदर आपका सारा फंक्शन था, तो मैं x को इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 4x² × x + 5 और ये क्या बन जाएगा आपका मेरा x × 2x² - 1, ठीक है, -x + 5 × 2x² - 1, ठीक है, और नीचे क्या है आपका x², ठीक है। तो बस अब चीज़ों को सॉल्व करना है और इनको जो है हमने आंसर कर देना है, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ही आपके मैंने ये है 13th G के ये टफ टफ से क्वेश्चन से जो मैंने आपको करवा दिए हैं, इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 13th G ख़त्म होती है। इसके बाद हम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को ऊपर वर्क करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू देन।